हे गाइस बेटू आईटी यार, देखो आप लोग इस वीडियो पे क्यों आए हो, मेरे को पता है आपको भी जानना है कि देसी गेम मतलब जो देसी छोरा था उसने क्या स्कैम कर रखा है। बट उससे पहले मैं एक चीज बता दूं भाई, मैं ये वीडियो वैसे बनाने तो नहीं वाला था, लेकिन देखो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे को एक ऐसा मौका मिला है कि मैं उस बंदे के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। वैसे देखा जाए ना, ये बंदा मेरे से बिना वजह चिढ़ता है। एक बार ये मेरे ग्रुप में आके गाली देके गया था आज से करीब 3-4 महीने पहले, शायद काफी टाइम हो गया है। बट ये बंदा मेरे से क्यों चिढ़ता है मेरे को नहीं पता, इस वजह से जस्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो मेरे को बहुत खुशी हो रही है वीडियो बनाते हुए भाई, वरना मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता इस बंदे से। ठीक है गाइस, सीन कुछ ऐसा था ना, लाइक आपको पता होगा जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर रहते, देसी गेमर हो गया है, मतलब और भी जितने भी लाइव स्ट्रीमर रहते हैं ना, जो अपने लाइव पे कस्टम वगैरह कराते हैं, जॉन्टी भाई ने भी कराया था अपना आईफोन का गिव अवे कराया था, एंड नए नए सेशन लाइव कराता है, मतलब जितने भी बंदे जो लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, पहले तो वो 2x वगैरह करके कस्टम में ज्वाइन कर जाते हैं। ऐसे और भी बंदे कर सकते हैं, बट सीन क्या रहता है ना, जब ये लोग ज्वाइन करते हैं तो इकट्ठे टीम अप करते हैं, लगभग ये 5-6 बंदे होंगे या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप एक स्क्रीनशॉट देखोगे तो इसमें पता चलेगा लगभग ये 6-7 बंदे हैं। तो भाई ऑलमोस्ट मैच पहले से फिक्स रहता है कि अगर कोई बंदा जीतेगा तो इन्हीं में से वो बंदा जीतेगा। मतलब आप लोग अगर कस्टम खेल रहे हो ना, तो आपका खेलना वेस्ट है, मतलब अगर आप कस्टम जीत ही नहीं सकते भाई तो खेलना वेस्ट है। इनका सीन क्या रहता है ना, जब भी ये 6-7 बंदे कस्टम खेलते हैं तो आपको मैप में मतलब जो भी लाइव स्ट्रीम जब स्ट्रीम पे मतलब स्पेक्टेट करता है ना, तो उसको पता नहीं चलेगा ये लोग टीम अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा सीन रहता है ना, इनका टीम अप रहता है डिस्कॉर्ड पे, इनका वॉइस कनेक्ट रहता है। आपको सिंपल लैंग्वेज समझाओ तो ये लोग कॉल पे कनेक्ट रहते हैं, 6-7 बंदे कॉन्फ्रेंस में रहते हैं एक तरह से। एंड जब भी एक बंदे को कभी कोई, जैसे मान लो देसी छोरा को एग्जांपल ले लो, अगर देसी छोरा है उसके पीछे अगर 1-2 बंदे पड़ गए हैं कस्टम के रैंडम, तो जो इसके टीम अप वाले बंदे हैं ना, ये उनसे बोल देगा कि भाई आ जाओ इधर, तो वो भी 2-3 बंदे आके उस पर रश मार देंगे एंड देसी छोरा वहां से निकल जाएगा। सपोज करो ऐसा थर्ड पार्टी करके ये लोग बच जाते हैं। एंड इनका पहले से फिक्स रहता है कि आज के कस्टम में किसको जिताना है, जैसे आज के कस्टम में ड्रैगो को जीतना है, देसी छोरा को जीतना है, और भी पता नहीं इनके कितने सारे बंदे हैं, इनमें से किसी को जीतना है ना, तो पहले ही फिक्स रहता है, तो सारे बंदे ना केवल उसी को जिताने पे फोकस करेंगे। एंड गाइस पता है ये लोग स्कैम करते हैं भाई, इनमें से जितने भी बंदे हैं, देखो ड्रैगो हो गया और भी जो 6-7 बंदे हैं ना, इनमें से जहाँ तक देखो सुनने में आया कि देसी छोरा स्कैम वगैरह भी करता है। देखो उसका मेरे को प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ सुनने में जरूर आया है। बट ऐसी सिचुएशन में सीन क्या रहता है ना, जो अभी कस्टम की बात करते हैं, जो रिजर्विंग बंदे होते हैं, इस चक्कर में क्या किया था ना, जो जॉन्टी भाई थे हमारे, उन्होंने अपना आईफोन का जो गिव अवे का फाइनल था, आपको देख लीजिए, उन्होंने बोल दिया था कि भाई आईफोन के गिव अवे का फाइनल नहीं होगा। मुझे नहीं पता इसके पीछे का राज क्या है क्या नहीं है, ये ठीक है। ये लोग स्कैम वगैरह ऐसे करते हैं, तो भाई ये मैच कहीं भी फेयर नहीं रहेगा। अगर ये बात मतलब मैं कह रहा हूँ, उन्हीं में से एक बंदे ने ये रिकॉर्डिंग करी थी डिस्कॉर्ड की ऑडियो, एंड उसने ये वीडियो दिखाई थी, तब जाके वायरल हुई। एंड अगर वो बंदा नहीं बताता जो इनकी टीम में था या क्या था, आई डोंट नो उसके बारे में ज़्यादा, बट अगर वो बंदा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देता ना, तो किसी को पता भी नहीं चलता ये लोग ऐसे स्कैम करते हैं। एंड आईफोन विनर भी ऐसे ही कोई बन जाता है, एंड और भी कस्टम के गिव अवेज वगैरह रहते हैं, सब इजीली बन जाते हैं। ब्लैक फ्लैग आर्मी हो गया या अनयन भाई हो गया, इन लोगों को बेसिकली पता था, नहीं पता होगा जहाँ तक मेरे को अंदाजा, ये लोग ना। एंड गाइस आपने कुछ ऐसे बंदे देखे होंगे जो हमेशा हर कस्टम में आपको देखने को मिल जाते हैं रैंडम, जब भी कोई बड़ा क्रिएटर कस्टम कर रहा होता है ना, तो इनमें से ये 4-5 बंदे जो है गिनती के, वो हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इन सबसे सीन क्या रहता है ना, रिजर्विंग बंदे होते हैं, जैसे मान लो आप में से कोई रैंडम बंदा, अगर आप जैसे सपोज करो, अगर आप जो वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप कोई कस्टम खेलते हो जीतने के लिए कि भाई यहाँ पे 10,000 डायमंड का गिव अवे हो रहा है, एंड आप चाहते हो कि आप भोया करोगे तो आपको 5,000 डायमंड मिलेंगे, सपोज करो कि नयन भाई ऐसा गिव अवे करा रहे हैं, ठीक है, आपने बड़ी मेहनत से करके कस्टम को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आपको पता होगा बहुत जल्दी फुल हो जाता है, फिर भी आपने उस कस्टम को ज्वाइन कर लिया, आपका गेम प्ले भी अच्छा है, फिर जब आप गेम में जाते हो ना, तब आपको पता चलता है भाई आप कस्टम को जीत ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप गेम में जैसे मान लो सपोज करो आपके सामने देसी छोरा आ गया या ड्रैगो वगैरह कोई भी इनमें से एक बंदा आ गया, एंड मान लो उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज देसी छोरा को जीतना है, ठीक है, एंड आपके सामने देसी छोरा हो गया, जब आप उस बंदे देसी छोरा पे रश मार दोगे ना, तब पता चलेगा देसी छोरा पीछे हट रहा है, अगर वो नहीं मार सकता ना तो वो पीछे हटेगा, एंड 2-3 बंदे और आएंगे जो आप पे रश मार देंगे, ठीक है, जो देसी छोरा के बंदे रहते हैं जो डिस्कॉर्ड वगैरह पे कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसे में सिचुएशन ये हो जाती है कि भाई आप वहीं पे मर जाओगे, आप जो सपना लेके आए थे कि भाई आपको 5,000 का जो रिडीम कोड जीतना है, बट आप वो नहीं जीत सकते। इन सबसे यही मतलब इन सबसे यही होता है कि भाई जो बंदा कस्टम को जिसलिए खेल रहा है ना, तो ये कस्टम एक तरह से पहले से फिक्स हो जाता है कि भाई इन्हीं में से एक बंदे को जीतेगा। सपोज करो अगर देसी छोरा मर जाता है एंड उसको जीतना है, लेकिन उसके बाकी बंदे तो बचे हैं ना, 5 बंदे और बचे हैं, उनमें से कोई जीत जाएगा, एंड आपका कस्टम खेलना वेस्ट है, आप जो लाइव स्ट्रीम देख रहे हो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। सेम इसी चीज के चक्कर में जॉन्टी भाई ने अपने लाइव में एक बंदे को, जो इन्हीं में से एक बंदा था जो उनकी गिल्ड में भी था, बेसिकली ओजी एलीट में था, एंड उनने अपनी गिल्ड के मेंबर को किक मार दिया जो इन सब में शामिल था, प्लस आईफोन के जो फाइनल का गिव अवे था उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि फाइनल मैच होगा ही नहीं, क्योंकि फाइनल में ये बारे ये जो चार पांच
आठ बंदे हैं ना ये सिलेक्ट है, देसी छोरा हो गए, ड्रैगो वगैरह ये सब सिलेक्ट थे, तो उन्होंने फाइनल को कैंसिल कर दिया। एंड अब वो ये करवाने वाले हैं लाइक जो रैंडम बंदे को, किसी भी एक रैंडम बंदे को गिव अवे कर देंगे आईफोन का। तो भाई ये सीन कहीं ना कहीं एक तरह से वैसे तो उनके डिसीजन के हिसाब से सही है, कहीं ये लोग ना जीते हैं, बट इन सबसे क्या है ना, अगर जॉन्टी भाई इन सबको डिस्क्वालीफाई कर देते तो सीन सही रहता, बट उनका भी सीन सही है। हो सकता है ये बंदे तो सामने आया कि चार पांच बंदे ऐसे करते हैं, हो सकता है कुछ ग्रुप्स और भी हो इनके, और भी बंदे हो, या फिर कोई अलग ग्रुप भी चल रहा हो जो ऐसी चीजें करता हो, तो वहीं कहीं ना कहीं चीजें अनफेयर हो जाती हैं। बट इन सबसे क्या होता है ना, जो डिजर्विंग बंदे होते हैं जो अपने भाई मेहनत से अपने गेम प्ले के दम पे भाई वो टूर्नामेंट को क्वालिफाई करके गए थे, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में क्वालिफाइंग फेज होता है ना उनको क्वालिफाई करके गए थे, बट वो बंदे फाइनल में आके रह जाएंगे क्योंकि वो फाइनल्स को खेल ही नहीं सकते। एंड रैंडम में सीन क्या रहता है भाई, वो किसी को भी मिल सकता है, उसमें किसी का बस नहीं चलता कि भाई मेरे को मिलेगा, रैंडम में ज्यादातर चांस रहता है कि आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर वहीं बात करें कस्टम की, फाइनल वगैरह रहता है उसमें कहीं ना कहीं एक चांस रहता है कि आपको भी वो मिल सकता है, अगर आप एंड तक जिंदा रहते हो, बोया करते हो, जो भी करते हो, आपका चांस रहता है कि आपको भी वो इलाइट पास, डायमंड्स, आईफोन कुछ भी मिल सकता है जो उसका विनर प्राइस पूल रहता है उसमें से। बट ऐसे सब हरकतों की वजह से जो बाकी के जो बंदे रहते हैं उनका मतलब जो भी डिजर्विंग बंदे रहते हैं भाई वो नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो भाई सीन बिल्कुल सिंपल सा है। मैं तो ये कहूंगा भाई अगर ये बंदे किसी को भी अपनी लाइव स्ट्रीम में देखते तो भाई वहां से किक मार दिया करो, क्योंकि ये बंदे आराम से टीम अप करते हैं। अगर अभी ये लोग दिखाएंगे कि भाई इनने अभी ये लोग वीडियो बनाएंगे, पता है गाइस देसी छोरा हो गया और भी जो ड्रैगन वगैरह जितने भी बंदे हैं ना, अब ये लोग इतना सफाई से वीडियो बनाएंगे कि भाई हम कुछ और कर रहे थे, टीम अप नहीं कर रहे थे, हम अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ भी बहाना मार देंगे। बट इससे सच नहीं बदल जाएगा भाई, वो कोई भी बहाना मार दे भाई, क्लियर थी जो चीज़ वो क्लियर है। एंड बेसिकली ये वीडियो मैं इस बंदे पे इसलिए बना रहा था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सोच रहा था कि इग्नोर मार दूंगा, मैं तो अपना कंटेंट पर ध्यान दे रहा हूँ। बट सीन कुछ ऐसा था ना भाई, ये बंदा मेरे से पता नहीं क्यों चिढ़ता था बहुत ज्यादा, ना आज तक मैं इससे कभी मिला था ढंग से, ठीक है ना, मैंने कभी इससे बात की थी, बट ये बंदा मेरे से अपने आप ही चिढ़ता था। एक बार क्या सीन हुआ, मेरे को बंदों से सुनने में आया था कि देसी छोरा मेरे से चढ़ता, मैंने कहा चढ़ने दो भाई क्या फर्क पड़ रहा है। बट सीन कब बिगड़ गया ना, एक बार इसे मेरे ग्रुप में आया था किसी दूसरे बंदे के थ्रू, एंड ये गाली देके ना लीव करके चला गया था। उस वक्त मैंने ठान लिया था भाई ठीक है यार चले जाओ भाई, कभी हमारा भी टाइम आएगा, देखो आज मौका मिला था तो देखो मैं तो बेसिकली उसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूं। देखो अब आप लोग किसी भी वे में ले लें इस वीडियो को, बट मैं ये वीडियो बेसिकली इसी वजह से बना रहा हूं क्योंकि भाई ये बंदा एक बार मेरे ग्रुप में आके गाली देके निकल गया था। तो भाई होप करते वीडियो समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आज मेरा वीडियो कुछ और डालने वाला था बट ये डाल रहा हूं, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट।